नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जिनके पास राशन कार्ड होता है वे लोग अपना राशन उठा लेते हैं, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता है उनको सरकार के तरफ से मिलने वाले फ्री राशन नहीं मिल पाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। या तो उनके जनप्रतिनिधि ने उनका राशन कार्ड नहीं बनवाया, या फिर राशन कार्ड के लिए पहले ऑफलाइन आवेदन होता था तो वे आवेदन किए और उनका राशन कार्ड का जो आवेदन फॉर्म था वो जहाँ का तहाँ ही रह गया, अप्रूव नहीं हुआ और उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप डिजिटल तरीका से डिजिटल राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करके खुद आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही आवेदन करके और बना सकते हैं। कैसे आपको डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर बात की जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पोर्टल पर आ जाना होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर। इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। या अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें nfsa.gov.in और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन को ऐड किया गया है, जिसके माध्यम से आप लॉगिन करके और अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको कैसे लॉगिन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कोने में देख सकते हैं कि ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्टर और साइन इन का। आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पब्लिक लॉगिन का और ऑफिशियल लॉगिन का। तो आपको पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड का ऑप्शन आता है, यानी कि आप आधार नंबर डाल करके, ये वाला कैप्चा यहाँ डाल करके आप लॉगिन कर पाएंगे। या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बना करके लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जिसके माध्यम से यानी कि आप अपने राशन कार्ड नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, तो ही आप लॉगिन कर पाएंगे। चाहे आप आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना होगा, या फिर राशन कार्ड नंबर के माध्यम से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे देखिए जो दो नंबर में ऑप्शन मिलता है साइनिंग विथ लॉगिन आईडी, इसमें पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू यूजर साइन अप हेयर का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नाम डाल देना है, यानी कि जिसका भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नाम डाल दे, उसका लास्ट नाम यहाँ पे डाल दे, उसका डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे डाल देना होगा, यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट करना होगा, जेंडर को आप मेल फीमेल जो भी हैं सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहां से एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। लॉगिन आईडी में आप जो भी रखना चाहते हैं यहां पे आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहां पे लॉगिन आईडी का नाम जो रखना चाहता हूं उसको डाल देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लॉगिन आईडी का नाम डाल लेना है। आप अपने अनुसार से जो भी लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं उसको यहां पे डाल दें। फिर आपको यहां पे चेक यूजर पर क्लिक करना होगा कि आपका लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। अगर लॉगिन आईडी अवेलेबल रहता है तो आपको यहां पे देख सकते हैं कि हरा कलर का टिक लग जाता है, यानी कि आपका लॉगिन आईडी अवेलेबल है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, स्क्रीन पर देख करके आप पासवर्ड को क्रिएट कर पाएंगे। फिर से आपको पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड कर देना है, यानी कि फिर से री एंटर पासवर्ड कर देना है। कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए थ्रो यू आई डी ए आई आधार नंबर का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे अपना 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे एक 10 अंक का मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट देखने
देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से आप हैं अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लें। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर ले। देन आपको यहां से तहसील यानी कि अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहां से ब्लॉक को भी सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां से अपने विलेज को सिलेक्ट करना होगा यानी कि अपने गांव का नाम यहां से आप सिलेक्ट कर दें। देन आपको यहां पे एड्रेस डाल देना है। यहां पे एड्रेस डालने के बाद आपको यहां पे एक पिन कोड डालना चाहते हैं तो डाल दे, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपको ये वाला कैप्चा जो माइनस या प्लस में रहता है इसका योग करके और यहां पे आपको कैप्चा को फिल कर देना है। अगर माइनस में है तो माइनस करना है, प्लस में है तो प्लस करना है। जैसे यहां पे 9-1 लिखा हुआ है तो 9 में से 1 घटाने के बाद यहां पे 8 बचता है, तो मैं यहां पे 8 डाल देता हूं। इसी प्रकार से आपको कुछ कैप्चा अगर प्लस में है तो प्लस करना है और माइनस में है तो माइनस कर देना है। देन आपको यहां पे रिमार्क डाल देना है। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करना चाहता हूँ ETC, आप कुछ भी डाल दें। देन आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ, अब मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विथ दिस डाटा, आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको कुछ देर वेट करना होगा, फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP गया है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। तो मेरा OTP आ गया है, मैं इस OTP को इस बॉक्स में फिल कर देता हूँ। देन आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे फिर से आपको ओके कर देना है, फिर आपको कुछ देर वेट करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन यूजिंग द प्रोविडेड डिटेल्स, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो यूजर आईडी बनाया है और जो पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय उसी को डाल करके आपको लॉगिन करना होगा, तो आपको यहां से ओके कर देना। अब आपको लॉगिन करने के लिए फिर से होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद फिर से आपको राइट साइड कोने में साइन इन पर क्लिक करना है, फिर से आपको पब्लिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने बनाया है उसको फिल करके और यहाँ से साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे आपने जो लॉगिन आईडी बनाया है उसको डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड जो बनाया है उसको डालेंगे, ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ से आप साइन इन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लिया हूँ, कैप्चा फिल कर लिया हूँ। अब मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, राशन कार्ड ऑफ अदर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट देखने को मिल जाता है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर ले, यानी कि जिस स्टेट में आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूं। अब आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को आपको बारीकी से फिल करना होगा। तो फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेट देखने को मिल जाता है जो आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ से आपको स्कीम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से बेनिफिशियरी टाइप को सिलेक्ट करना होगा, राशन कार्ड सिलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना होगा एप्लीकेंट का, यानी कि आवेदक का फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। आवेदक महिला ही हो सकती है तो महिला के नाम से ही अगर आप बनवा रहे हैं तो उसका फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर पर जैसा नाम है उसी प्रकार से नाम डाल देना है।
यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको आपको फिल कर देना है जो आपकी आधार कार्ड पर है। यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लें। देन आपको यहाँ से आवेदक का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मदर्स का नाम डाल देना है, फादर्स का नाम हिंदी इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, यानी कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं जो भी है, या विडो हैं, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से स्पाउस नेम यानी कि पति का नाम, अगर विवाहित महिला के नाम से आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो उसके पति का नाम इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में डाल देना है। यहाँ से इंडियन सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है तो डाल दें। उसके बाद आपको यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे NPR नंबर है तो डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है, एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना है, ओल्ड राशन कार्ड नंबर है तो डाल दें, BPL कार्ड का नंबर है तो डाल दें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, एडिशनल है। फिर आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस ओपन होगी, उसको भी आपको फिल करना होगा। मैं इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि इस वीडियो में बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। इस वीडियो में मेरा मकसद था केवल NFSA के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होता है राशन कार्ड बनाने के लिए, तो उसके लिए आप लॉगिन ID और पासवर्ड कैसे रजिस्ट्रेशन करके बना पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड बना लेते हैं, तो ही आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपको डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें आशा है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं रह गया होगा, लेकिन अगर फिर भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।